मार्केटिंग एजेंसी। तो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी एजेंसी का नाम शो हो रहा है, और इसी तरीके से आप अपने बिजनेस को ऑप्टिमाइज करते हैं जिससे आपका बिजनेस गूगल पे शो होने लगे, गूगल उसको इंडेक्स कर ले और आपके बिजनेस तक लोगों को पहुंचा पाए। ठीक है, क्या क्या मिस्टेक्स हैं, क्या क्या चीजें हैं, वो सब कुछ ट्रैक हो सकता है यहाँ पे। तो ये सारे पेड टूल्स होते हैं जिसके थ्रू हम ये सारी चीजें ट्रैकआउट करते हैं। लेट मी टेल यू अबाउट सोशल मीडिया। तो हाय, वेलकम टू द नेक्स्ट मॉड्यूल, दैट इज ऑर्गेनिक मार्केटिंग। ऑर्गेनिक मार्केटिंग क्या है, आपके बिजनेस के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या ये क्या रिजल्ट ला सकती है, और क्या ये फ्री होती है, कितने सारे जितने भी ये क्वेश्चन है ना, जितने भी ये क्वेश्चन है, सब कुछ सॉर्ट आउट होने वाले हैं। आप इस वीडियो को देखिए और समझिए कि आपको कैसे वर्कआउट करना है अपने बिजनेस के लिए। ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है कि जैसे कि आप एक ऑफलाइन स्टोर स्टार्ट करते हैं, उसके बाद आप अपने आसपास वालों को बताते हैं, आप अपने जितना भी कॉन्टेक्ट में डिटेल कॉन्टेक्ट होते हैं आपके, उन सबको बताते हैं आप कि भाई मैंने एक बिजनेस स्टार्ट करा है, आप यहाँ पे आइए, आप यहाँ से ऑर्डर करिए, आप यहाँ आपको यहाँ पे बेनिफिट होगा। इसी तरीके से आप डिजिटल में जितने आपके कनेक्शन है, जितने लोग आपसे कनेक्टेड है, जितने अकाउंट्स आपसे कनेक्टेड है, आप उन लोगों को बताते हैं और आप कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे नेटवर्किंग बना के। जैसे कि ऑफलाइन में क्या होता है कि आप यार मेरी स्टोर किसी को रिकमेंड कर देना, आप अगर किसी को सर्विस अच्छी लगेगी तो वो रिकमेंड करेगा, वैसे ही ऑनलाइन में लोगों को अगर सर्विसेज अच्छी लगती है तो वो अपने टेस्टिमोनियल शेयर करते हैं, वो स्टोरीज पे डालते हैं। इसी तरीके से आपको वर्कआउट करना है ऑर्गेनिक वे में। लेट मी शो यू। बेसिकली हम जो बात करने वाले ऑर्गेनिक मार्केटिंग की, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जनरेटिंग ट्रैफिक विदाउट पेइंग एड्स अमाउंट। इसमें क्या होता है, हम कोई भी एड्स का अमाउंट पे नहीं कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी हम ऐसा अमाउंट पे नहीं कर रहे हैं जिससे हमारा उस प्लेटफॉर्म पर कुछ खर्चा हो रहा हो एक्सटर्नल थर्ड पार्टी चार्जेस, जस्ट लाइक फेसबुक को एड्स का अमाउंट दे रहे हैं या गूगल को हम एड्स का अमाउंट दे रहे हैं, तो इसमें वो वाला काम नहीं होता। देखिए, दो जगह पे ऑर्गेनिक मार्केटिंग होती है, सर्च इंजन और सोशल मीडिया। सर्च इंजन का मतलब गूगल क्या है, सर्च इंजन है, वहां पे आप अपनी ऑर्गेनिक मार्केटिंग कर सकते हैं। और दूसरा है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया जस्ट लाइक फेसबुक और इंस्टाग्राम और लिंक्डइन, ट्विटर, इस तरीके के जो प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आप ऑर्गेनिक मार्केटिंग कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको करनी कैसे है। देखिए, गूगल में अगर आप जाते हैं तो आपकी जो प्लेटफॉर्म है, जो आपने एक वेबसाइट बनवाई थी, उसको ऑप्टिमाइज करना है। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। तो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी एजेंसी का नाम शो हो रहा है, और इसी तरीके से आप अपने बिजनेस को ऑप्टिमाइज करते हैं जिससे आपका बिजनेस गूगल पे शो होने लगे, गूगल उसको इंडेक्स कर ले और आपके बिजनेस तक लोगों को पहुंचा पाए। ठीक है, अब किसी को मैंने यहाँ पे कैटनिक्स डिजिटल मीडिया नहीं डाला था, लेकिन मैंने क्या डाला, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, उसके अंडर मेरा जो बिजनेस है यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है, हमारी जो कंपनी है वो रिप्रेजेंट हो रही है, तो यहाँ से हमें बिजनेस मिलने के ज्यादा चांसेस है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया कि गूगल पे ऑप्टिमाइजेशन होना है, या इसके लिए जरूरत पड़ेगी आपको वेबसाइट की और आपको अपने कंटेंट की, ये सारी जरूरत पड़ने वाली है। अब बात करते हैं यूट्यूब की। तो देखिए, यूट्यूब में क्या है, यूट्यूब में आपकी वीडियो का ऑप्टिमाइजेशन होता है। लेट मी शो यू वीडियो। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये वीडियो का ऑप्टिमाइजेशन होता है, इस पर टेक्स्ट डलते हैं और ये वीडियो फिर सर्च इंजन में जाके शो होती है। ये आप देख सकते हैं वीडियो का ऑप्टिमाइजेशन। देखिए, ऑप्टिमाइजेशन स्कोर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि वीडियो का क्या ऑप्टिमाइजेशन है, 100 में से 84 यूट्यूब की तरफ से हमें मिले, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितने ज्यादा टैक्स यूज हुए हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं, लेट मी शो यू, क्या क्या मिस्टेक्स हैं, क्या क्या चीजें हैं, वो सब कुछ ट्रैक हो सकता है यहाँ पे। तो ये सारे पेड टूल्स होते हैं जिसके थ्रू हम ये सारी चीजें ट्रैकआउट करते हैं और ये सारी चीजें देखते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से ये वीडियो का ऑप्टिमाइजेशन होता है। अगर आपका बिजनेस ऐसा है कि जिसकी आप वीडियो बना सकते हैं, तो उसका आप वीडियो बनाइए और उसको यूट्यूब सर्च इंजन पर डालिए, जहां पे आपके वीडियो से रिलेटेड लोग आप तक पहुंचे, आपके कस्टमर पहुंचे। नाउ लेट मी टेल यू अबाउट सोशल मीडिया।
सोशल मीडिया पे अगर हम बात करते हैं तो देखिए सोशल मीडिया पे क्या होता है, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे ऑर्गेनिक वर्क होता है, वो आपको भी पता होगा, जैसे कि इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालना, इंस्टाग्राम पे कंटेंट फ्रेम आउट करना और जितना हो सकता है उतना एक्टिव रहना, कस्टमर्स का रिप्लाई करना, कमेंट्स करना, ये सारी चीजें जो होती है वो ऑर्गेनिक वर्क में आती है। बट लेट मी शो यू कि अगर एक एजेंसी वर्क करती है तो वो किस तरीके से वर्क करती है। दिस इज वन ऑफ अवर क्लाइंट, ऑलिव ग्रीन रेस्टोरेंट, और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये कॉन्टेंट लिखा जाता है जिसमें ये सारी चीजें डाली जाती हैं, डिजाइनिंग, ग्राफिक्स, सब कुछ डिजाइन होता है और ये सब कुछ स्ट्रेटजीज बताई जाती हैं कि किस हिसाब से आपको क्या क्या चीजें यहाँ पे डालनी है। तो ये एक प्रोफेशनल आपको जो पेज दिख रहा है ये इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये एक एजेंसी मैनेज कर रही है जिसमें आपकी देखिए डेली के हिसाब से पोस्ट बनाई जाती है, उसके बाद जितना भी ये कॉन्टेंट लिखा हुआ है इसमें कीवर्ड मैपिंग करी जाती है और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हैशटैग डाले जाते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से यहाँ पे कुछ लोग क्या नाम है मैसेज भी करते हैं, आपको फीचर भी करते हैं, ये यहाँ से आपको बहुत बेनिफिट होता है, ठीक है। यहाँ से इनको ये वाला ऑफर इनका वायरल भी हो गया था जिसमें मील फॉर टू, जिसके पास इनके पास स्क्रीनशॉट ले लेके लोग पहुंचे थे, बहरहाल हमने इनका पेड कैंपेनिंग करी थी इस चीज की। तो इस तरीके से ये होता है इंस्टाग्राम और फेसबुक पे ऑर्गेनिक वर्क। फॉर एग्जाम्पल अगर ये आप ऑर्गेनिक वर्क नहीं करते हैं, तो आपके पेज पे अगर आप मार्केटिंग शुरू भी करते हैं पेड वाली, तो आपके पेज पे अगर कोई आता भी है तो और यहाँ पे कुछ नहीं होता तो शायद मेरे हिसाब से वो आपसे इंटरेक्ट इतना अच्छे से नहीं करेगा। पहले वो आपके पेज पे आएगा और आपके प्लेटफॉर्म को देखेगा, अगर उसको प्लेटफॉर्म समझ में आता है, चीजें समझ में आती हैं, तो वो आपसे बात करने की सोचेगा, आगे प्रोसीड करने की सोचेगा। अगर फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं यहाँ पे 409 इंटरेक्शन है इस पे, अगर अब किसी को बर्थडे करने का ध्यान आएगा तो वो इस रेस्टोरेंट को कंसिडर कर सकते हैं जो 409 लोगों ने ये पोस्ट लाइक करी है उसमें। तो आई होप सो कि आपको ऑर्गेनिक मार्केटिंग के बारे में चीजें समझ में आ गई होंगी। ये काम आप खुद भी कर सकते हैं या आप किसी एजेंसी को दे सकते हैं जो आपको प्रोफेशनली वर्कआउट करके देगी। एजेंसी कैडनिक्स डिजिटल मीडिया को भी ये आप वर्क दे सकते हैं जिससे आपके बिजनेस को ग्रो करने में हम आपकी हेल्प कर सकें, ठीक है। पूरी टीम है इसके लिए, पूरी टीम चाहिए होती है क्योंकि हम ये चाहते हैं, हमारा विजन ये है कि जो आप काम कर रहे हैं आप उसमें फोकसली काम कर सकें और बाकी जो हमारी टीम यहाँ पे यही वाला वर्क कर रही है वो इसको और प्रोफेशनली आपको डिलीवर कर सके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट पेड मार्केटिंग। पेड क्या होता है, अब ये ऑर्गेनिक हमने समझ लिया कि यहाँ पे हमें क्या क्या वर्क करना है, इसके बाद अब नेक्स्ट स्टेप क्या है अपने बिजनेस को ब्रांड करने के लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।